एंड ये है जो नए सेट ऑफ टायर्स है जो मैंने ऑर्डर किया है फ्रॉम सीएट, एंड लेट्स अनबॉक्स दिस राइट अवे। हियर वी हैव आवर ऑल न्यू सीएट का ग्रिप X3 टायर्स। हियर यहाँ पे जो अंदर आपको दिख रहा है, ये जो सीजेंट है ना, ये सीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कीज रहता है ना, कीज अगर अंदर घुसेगा तो ये सीजेंट जो है इसको तुरंत सील कर देता है। सो गाइस, आपको याद होगा मैंने अपने डोमिना 400 पे सीएट जूम रैड X1 लगा के मैंने कोंकण राइड किया था। मतलब इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया था टायर्स, दैट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न वाई मैंने अपने 10 साल पुराने पल्सर 150 पे मैंने लगवाया है सीएट के पंक्चर सेफ टायर्स। इसका सबसे सही सुना है, गाड़ी को मैंने रिस्टोर करवाया, रिस्टोर करवा के मैंने लगवा दिया ये टायर्स, सो दैट आई कैन गिव दिस बाइक टू माई कज़न। सो ये प्लान करते हुए मैंने गाड़ी को रिश्योर किया है, टायर्स लगवा दिए हैं, एंड उसका वीडियो सेपरेट आएगा, लेकिन ये जो है टायर का रिव्यू आज मैं करने वाला हूँ। सो इसका वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, इट्स मी नीतीश टीओ। व्हाट्सअप कैसे हो, कसक आए, एंड नमस्कार हे गिदीरा। एज अ राइडर, एज अ बाइकर, आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी है। फर्स्ट थिंग इज पेट्रोल खत्म होना, दूसरी बात यह है कि गाड़ी पंक्चर होना। पेट्रोल खत्म हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, रात में भी आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, हाईवे पे आप उसको लगवा सकते हो, मतलब पेट्रोल डलवा सकते हो। लेकिन पंक्चर गाड़ी अगर हो गया, अगर आप रात को जा रहे हो या ऑफ रोड में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, पंक्चर हो गया तो यार इससे ज़्यादा डरावनी चीज़ या इससे ज़्यादा अनसेफ चीज़ कुछ भी नहीं है। सो ये सोचते हुए आई थिंक सीएट ने एक टायर बनाया है, दैट इज़ द पंक्चर सेफ टायर्स। इस पर अगर आपका गाड़ी का जो टायर है उसके अंदर कीज भी लग गया तो गाड़ी पंक्चर नहीं होने वाला है। आपको डेमो में दिखाई देता हूँ, बट बिफोर दैट let's have a quick cinematics of these tires. He said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it, get in. तो गाइस, इन्वेंशन जो होती है, इन्वेंशन दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे इन्वेंशन होते हैं आपको हेल्प तो करते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको उनसे बहुत ज़रा डिसएडवांटेजेस होते हैं। एंड देन देर आर सम इन्वेंशंस विच विल हेल्प यू एंड इन लॉन्ग टाइम विल डबल हेल्प यू। आपको पता है इन टायर्स के ना आपको चार एडवांटेजेस बताता हूँ। सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि सेफ है, सेफ बिकॉज एक बार अगर कीज घुस गया, लेट से कीज अप टू 2.5 mm, 2.5 mm जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा कीज होता है, सो काफ़ी ज़्यादा मोटा कीज भी होता है 2.5 mm का। सो अगर उतना लंबा तक, मतलब उतना मोटा तक कीज अगर घुस गया तब भी गाड़ी हिलेगी नहीं एंड पंक्चर, मतलब गाड़ी से हवा बाहर नहीं आएगी, एक बात है। दूसरी बात यह है कि गाइज गाड़ी है काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट बन जाता है टायर्स, बिकॉज आपको हर बार पंक्चर निकाल देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पंक्चर हो गया तो ठीक है, बस कीज निकाल दो और गाड़ी चला दो, काम खत्म। गाड़ी का जो अंदर का जो सीज रहता है, जो आपको जो पंक्चर सीज करने का जो टेक्नोलॉजी है, वो आपका टायर का जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपका रहेगा। जिस दिन टायर का ट्रेड खत्म हो जाएगा उस दिन समझ लीजिए कि आपका गाड़ी का सीज भी खत्म हो गया। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड लास्ट एंड द बिगेस्ट एडवांटेज हियर इज ये जो टायर्स है आपको सारे के सारे बाइक्स पे आपको मिल जाते हैं, राइट फ्रॉम योर नॉर्मल कम्यूटर मोटरसाइकिल्स टू योर हाई एंड प्रीमियम मोटरसाइकिल्स, सब में ये आपको टायर्स मिलेंगे, दैट इज पंक्चर सेफ टेक्नोलॉजी के टायर्स। सो गाइस, अभी हम क्या करते हैं, इतने सब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अबाउट द टायर्स, तो अभी हम क्या करते हैं, लेट्स गो एंड मेक अ डेमो ऑफ दिस पर्टिकुलर टायर, ताकि आपको मैं कील घुसा के आपको दिखा दूंगा कील का साइज जो है। ये कील है गाइस काफी मोटा कील है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये कील हम लोग टायर में घुसाएंगे राइट नाउ एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोना लुक एंड वेदर द गाड़ी इज गोना वर्क और नॉट। सो गाइस, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कील जो है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सो कील दिस इज अ 2.5 mm का कील है, काफी मतलब मोटा कील है। आई डोंट थिंक एनीथिंग बिगर देन दिस थिंग विल माइट एंटर इनसाइड योर टायर्स। तो ये अपना टायर है, तो अभी मैं बाइक को इसके ऊपर चढ़ाऊंगा ताकि कीज अंदर घुस जाए, तो उसके बाद आपको दिखाऊंगा डेमो कैसे होता है इसका। नाउ जस्ट इमेजिन दिस थिंग हैपनिंग टू यू व्हेन यू आर राइडिंग ऑन द हाईवे, तो आपको बहुत टेंशन होगी ना अगर आपके पंक्चर सेफ टायर नहीं है तो। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कीज घुसा हुआ है, यू कैन सी इट ओवर हियर। सो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पानी मारेंगे, इनफैक्ट पानी मतलब सोप मिक्स्ड वाटर है वो, ताकि अगर इसके ऊपर बबल्स आते हैं क्या वो चीज़ दिखेंगे पहले। तो कोई बबल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, इनफैक्ट सोप मिक्स वाटर ही है यहाँ पे। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज बाइक को लेकर अभी एक राउंड मार के आऊँगा एंड तब देखते हैं कि क्या होगा इसका। लेट्स गो ऑन अ राइड, एक छोटा सा राइड करके आएंगे अपन। अभी तक तो हवा तो बाहर नहीं निकल रही है बाइक से, मतलब टायर से, दैट इज़ अ गुड थिंग। सो लेट्स टेक अ स्मॉल राइड ओवर हियर। सो
सो आई विल टेल यू गाइस, एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ कि अभी क्या है कील जो मैंने घुसा दिया है, तो गाड़ी अभी अपन राइड कर रहे हैं, आगे जाके मैं क्या करूँगा, वापस आके कील निकाल दूंगा, निकाल के वॉट आई विल डू इज फिर से आपको मैं सोप का पानी डाल के दिखाऊंगा कि क्या टायर पंक्चर होता है क्या। दैट्स अ डेमो आई वांट टू गिव यू गाइस, मतलब यू नो ट्रस्ट मैंने करा है तो आपको भी हो सकता है क्या, दैट्स अ पॉइंट राइट। नाइस मैन, गाड़ी वैसे मस्त मस्त फंकन जैसे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है गाड़ी में, इट्स ऑल मतलब सुपर बटर स्मूथ एंड द टायर्स आर नॉट वॉबलिंग, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हवा तो बाहर नहीं निकल रहा है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो वॉट अभी वॉट आई विल डू इज लेट मी गो बैक इन गेट वाले भाई साहब, चलो सो गाइस अभी आप देख सकते हो कि कील जो है यहाँ पे अंदर पूरा घुसा हुआ है, सो अभी इसके ऊपर मैं मारता हूँ पानी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सो द नेक्स्ट थिंग इज टू इसको निकाल के इसके ऊपर पानी मार के देखते हैं कि कुछ फर्क पड़ेगा क्या। सो देयर इज अ बबल ओवर हियर, कुछ बबल नहीं आ रहा है। This is the exact reason why I call it as puncture safe tire. So does SEAT. So guys, now that आप लोगों ने देख लिया कि गाड़ी में कील कैसे घुसता है एंड हाउ द डेमो ऑफ द यू नो पंक्चर सेफ टायर इज, सो अभी हम बात करते हैं वारंटी एंड गारंटी के बारे में। तो वारंटी जो है आपको मिलती है 6 years की, आपको मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है एंड 3 साल का आपको मिलता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। अगर आप टायर्स को उस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करते हो तो रजिस्टर करने पे आपको और 6 महीने का आपको वारंटी एक्सटेंड हो जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। एंड दूसरी बात आपको बताना था कि ये जो टायर है पंक्चर सेफ पता है कहाँ पे है, इट्स ऑन द ट्रेड। ये जो आपको ट्रेड दिखता है ना, ट्रेड के ऊपर आपको पंक्चर सेफ होता है, साइड वॉल्स पे नहीं। वॉल पे अगर आपको पंक्चर सेफ चाहिए तो ऐसे कुछ है ही नहीं ऑप्शंस। जब वॉल टूटता है ना गाइस, उसका पंक्चर कभी आप निकाल नहीं सकते हो, बिकॉज देर इज वन फंडा, सिंपल फंडा है। जब वॉल पे कट होता है ना, तो वॉल पे जब कट होता है वो टाइम पे ये है कि वॉल जो है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कट हमेशा ओपन होता है। यहाँ पे पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मतलब टायर जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। दैट इज द एग्जैक्ट रीजन वाई इट्स ऑलवेज सेफ, मतलब इट्स ऑलवेज पंक्चर सेफ ऑन दिस साइड एंड इट्स नॉट पंक्चर सेफ ऑन द वॉल्स। सो ये हो गया अपना फंडा। सो नाउ लेट अस क्लियर यू एवरीथिंग। मुझे नीचे अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो कमेंट में बता दीजिए। सो गाइस दिस वाज इट फॉर द वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि गाड़ी का जो ये जो टायर का वीडियो था आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद है तो पता है क्या करना होता है, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर। सो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो एज यूजुअल, एट द एंड दिस वीडियो विद जय हिंद वंदे मातरम।